ज्वालामुखी में एक बहादुर 14 साल की बच्ची अदिति सूद ने अपनी बहादुरी का परिचय देते हुए वे करके दिखाया है जिसे शायद ही कोई बच्चा कर पाए। अदिति सूद मात्र 14 वर्ष की बच्ची है जिसके पिता चिंतन सूद दिल्ली में कौशाम्बी में सेंट्रल पार्क होटल में मैनेजर हैं और उसकी माता रितु सूद द्वारका सेक्टर 12 दिल्ली में होटल कृष्णा रेजेंसी में कार्यरत है। उन दोनों की इकलौती बेटी अदिति सूद जो कि मात्र 14 साल की है और सर्वोदय मॉडल हाई स्कूल देहरा की छात्रा है, ये लड़की पिछले 4 महीने से अपने घर पर अकेली है। उसके मम्मी पापा 4 महीने पहले उसको स्कूल छोड़कर अपनी ड्यूटी देने दिल्ली चले गए थे। वे जब घर आने लगे तो पूरे देश में लॉकडाउन हो गया और वे चाहते हुए भी अपने घर वापस नहीं आ पाए। लेकिन उनकी बेटी अदिति सूद जिसने न केवल उनकी गैर हाजिरी में अपने 9वीं के पेपर देकर 10वीं कक्षा में प्रवेश किया बल्कि 4 महीने से वे अपने घर में बिल्कुल अकेली है, खुद ही भोजन बना रही है, खुद ही पूजा अर्चना करती है और अकेले घर में ड्राइंग बनाती रहती है, तो कभी घर की सफाई कर रही है और कभी कभी टीवी में फिल्में देख रही है, खबरें सुन रही है। उसके पिता चिंतन सूद ने फोन पर बताया कि ये बच्ची पहली कक्षा से लेकर अब तक प्रथम आई है। मेरे मम्मी पापा दोनों 4 महीनों से दिल्ली में ही रहते हैं, तो मेरे एग्जाम्स खत्म होने लगे तो वो आने लगे, पर अगले दिन से लॉकडाउन स्टार्ट हो गया इसलिए वो आ नहीं पाए। और रात में मुझे कई प्रॉब्लम भी होती है सोने के टाइम, मुझे डर लगता है, बट ऐसी कोई बात नहीं। मेरे मम्मी पापा ने मेरे को समझाया कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं होती है, आपके किराएदार मकान मालिक बहुत अच्छे हैं, साथ में पड़ोसी बहुत अच्छे हैं, वो सारा आपका ख्याल रखेंगे, ऐसी कोई बात नहीं, बच्चों को डरना चाहिए, आप ब्रेव बच्चे हो इसलिए आपको नहीं डरना चाहिए। और मेरे स्कूल वालों ने भी कई मीन्स पे लिए कुछ किया, उन्होंने मेरे को समझाया कि कोई बात नहीं, अभी मम्मी पापा जल्दी आ जाएंगे। मेरे को कुछ 3 दिन तक दुख भी लगा कि मैं अकेली रह रही हूँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपनी मम्मी पापा के बिना दूर रहूंगी। ऐसे ज्वालामुखी से सतीश कुमार की रिपोर्ट।